2013 केदारनाथ आपदा और राहत बचाव पुनर्निर्माण कार्यों से चर्चा में आए NIM के पूर्व प्रधानाचार्य कर्नल अजय कोठियाल जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ पहुँचे, जहाँ से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए ताल भी ठोकी। उनका कहना था कि वो टिहरी गढ़वाल या फिर पौड़ी गढ़वाल किसी भी लोकसभा सीट से ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट लिया उसी दिन तय कर लिया था कि चुनाव लड़ा जाएगा। कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि टिहरी या फिर पौड़ी वो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर टिहरी गढ़वाल से लड़ा तो पौड़ी के लिए दोगुना काम करेंगे और पौड़ी से लड़े तो टिहरी के लिए दोगुना काम करेंगे। चुनाव लड़ना हमने बड़ा क्लियर कर लिया है। 29 अगस्त को हम इंडियन आर्मी से आउट हो गए और आज हमारे कोर्समेट्स जो हैं वो ब्रिगेडियर बन रहे हैं। ये सब छोड़ करके हमने इसलिए वो शुरू करा है कि हमने किसी भी पार्टी से आज उत्तराखंड की तरक्की के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है। जैसे बोलते हैं कि पौड़ी से लड़ रहे हैं, हमारा मकसद है पहाड़ में काम करना। अगर पौड़ी से लड़ेंगे तो टिहरी के लिए दुगना करेंगे, टिहरी से लड़ेंगे तो पौड़ी के लिए दुगना करेंगे और साथ साथ कुमाऊं में भी अपना जो काम करने का तरीका है उसको बढ़ाएं। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने बोलते हुए कहा कि सेना में रहते हुए मैंने गोली भी खाई, कीर्ति चक्र मिला, एवरेस्ट फतेह किया और गढ़वाल के युवाओं के लिए काम भी किया और इसके बाद अब राजनीति में आकर उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम करने की भी इच्छा है। 20 साल में हम इंडियन आर्मी में चले गए थे, हमें आज अगर हमें नहीं पता, कई बार ना आदमी सोचता है कि अपनी तारीफें सुन करके कि चने के झाड़ में भी चढ़ता है। हमें नहीं पता हम चने के झाड़ में चढ़ रहे हैं कि वाकई में कर पा रहे हैं कुछ, लेकिन ये जरूर है कि हमें गोलियां लगी हैं, हमें कीर्ति चक्र मिला है, हमें आतंकवादियों से लड़ने का मौका मिला है, माउंट एवरेस्ट जाने का मौका मिला है। आज 27 साल के बाद हमें दोबारा उस मंदिर में एक भावना के साथ जाने का मौका मिला है, जिसे बोलते हैं नरसिंह देवता का मंदिर। इंडियन आर्मी ने ये कराया। आज इंडियन आर्मी ने जो हमें सीख दी है अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में, पॉजिटिव परिस्थितियों में, उन चीज़ों को समझ करके उसी इंडियन आर्मी की सोच के साथ में हरे रंग की एक जो हमारी छवि के साथ में लगी रहती है वर्दी, उसके साथ में हम पॉलिटिक्स और इलेक्शन को अच्छा बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। साथ ही कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि हिमालय में ताकत है, चार धाम सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा भी यही होती है, इसीलिए यहाँ पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि इन्हीं मुद्दों के साथ वो लोकसभा के चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। हिमालय है, हिमालय में ना इतनी ताकत है कि यहाँ तो अगर किसी को बर्फ दिखाओ पहाड़ के ऊपर, किसी को गंगा की आवाज़ सुनाई दे वो सुनवाओ उसको। चार धाम जिसमें पांचवा धाम जोड़ा जाए हेमकुंड साहब, इन सबको दिखा करके ही इतना ज़्यादा रोजगार का एक तरीका है कि खाली उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड के अलावा नेपाल को भी हम एक मॉडल बना के दे सकते हैं। हमें यहाँ पे सेल्फ कंटेंट एक अपने स्टेट को बनाने की कोशिश करनी है, जो कि एक सही दिशा में चल रहा है। थोड़ी सी कहीं एरर हो रखी है उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, जो हमारे एक्सपीरियंस है उनको इन चीज़ों पे ट्राई करके। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।